Bundle Safe Start Trading and Investments है 29th अप्रैल 2020 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा मैंने बाय सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि उसमें आप लोग को फ्री में बहुत सारा इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बहुत सारा बाय सेल लेवल्स डायरेक्शन ट्रेंड कैंडलस्टिक पैटर्न আচ্ছা বলছি একটু কাজে আছি, একটুখানি পরে করছি কোনো কোনো ভালো। তো ইসমে বহুত সারা বাইসেল লেভেলস মিল জায়গা और मेरा मैंने लाइव डेमो दिखाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी निफ्टी बैंक निफ्टी का मेनली दिखाता हूँ। इक्विटी पेयर ट्रेडिंग ऑप्शन सभी दिखाने कोशिश करूँगा, नहीं तो लेकिन टाइम नहीं मैनेज कर पाता हूँ। तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें ये मेरा जो बाय सेल लेवल्स है और स्ट्रैटेजी है वो कितना अच्छी तरह से काम करता है। आप लोग भी इसका कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी उसमें आप लोग जांच कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग को फ़ायदा क्या है, इसमें आप लोग को फ़ायदा होगा कि आप लोग इसका जो मैंने कुछ इसको आप लोग को सिखाने के लिए मैंने जो प्रोसीड्योर और जो बाय सेल लेवल का कैलकुलेशन और जो बाय सेल लेवल का जो कैलकुलेशन है और जो स्टार्ट का सेटअप मैंने रखा है स्ट्रैटेजी रखा है उसमें वो आप लोग को इधर से सिखा दूंगा। तो आप लोग उसका एक्यूरेसी मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप लोग को मार्केट का मूवमेंट समझ में आ जाएगा और आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे मार्केट से। तो इसमें रेगुलर बेसिस पे तो जो लोग ऑलरेडी बिगिनर्स हैं उन लोग को तो लेना ही चाहिए, और जो लोग ऑलरेडी अपना स्ट्रैटेजीज है और जो आप लोग कमा सकता है वो भी ये स्ट्रैटेजी सीख सकता है। तो इसमें आप लोग को जरूर बदलाव आ गया आएगा और बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और मेरा चैनल पे और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप स्ट्रैटेजीज रहता है, बहुत सारा चार्ट का सेटअप स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स रहता है, बहुत सारा एडुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस जो स्टॉक मार्केट है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर इंटरडे एंड निफ्टी सॉरी हाउ टू सिलेक्ट फॉर इंटरडे और फॉर इन्वेस्टमेंट, ये सब बहुत सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। और पेयर ट्रेडिंग आर्बिट्रेज ये सब बहुत सारा चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये वीडियो को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसका आप लोग को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो देखिए मैंने आज का निफ्टी का बैंक निफ्टी का डायरेक्शन दूँ, आप लोग पूरा पेशेंस रख के, जो लोग का पेशेंस नहीं है पूरा देखने के लिए तो उन लोग को फ़ायदा नहीं होगा पूरा नहीं देखेंगे तो उन लोग प्लीज़ ये मिडवे में आप लोग छोड़ सकते हैं। और देखिए मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप चार्ट एनालिसिस करूँगा, उसके बाद मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी को देखूँगा और उसके बाद मैंने बाय सेल लेवल देख के आप लोग को निफ्टी का बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा लेंथी होगा तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के जरूर देखिए और पसंद होगा तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, ठीक है, तो निफ्टी का जो डेली चार्ट इसमें जो दिखा रहा है तो इसमें जो डेली चार्ट ओपन डेली चार्ट में आज का कैंडल को देखिए, पहले मैंने कैंडल स्टिक जो बना है उसमें जांच कर रहा हूँ। देखिए इसका जो लॉन्ग टेल है
नीचे वाला, कल इसका था सेलिंग पे सब था, लेकिन आज इसका गैप अप ओपन हुआ इधर। क्या है इसमें इतना, देखिए इतना लॉन्ग टेल नीचे, लॉन्ग टेल इतना लॉन्ग टेल दिया है, इसका ओपन हुआ है, इसका ओपन हुआ है ऊपर में, इसका ओपन दिया है 90 90 90 का आसपास ओपन हुआ है, उसके बाद ये नीचे गिरा था ठीक है, लेकिन बाइंग प्रेशर आके इसका फिर से ऊपर लेकर गया। थोड़ा सा मतलब बियरिश होके ये क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसका बाइंग प्रेशर मार्केट में बहुत ही है, बाइंग प्रेशर मतलब बाइंग प्रेशर बीआर प्रेशर को ओवरट्रम कर रहा है, यही ये कैंडल स्टिक यही दर्शाता है, यही इंडिकेट कर रहा है कि ये कैंडल स्टिक यही यही इसका कैंडल स्टिक का ये दिखाता है। तो इसमें रेजिस्ट इसके बाद मैंने ट्रेंड के बारे में दिखाऊंगा। देखिए इसका ट्रेंड जो है ये आप में दिखा रहा है ठीक है, इसका जो ये जो सब इंडिकेटर्स है ये ट्रेंड आप दिखा रहा है, ये थोड़ा सा इस आके ये ऊपर जाके फिर से ये रेड हुआ था हुआ है, लेकिन इसका ट्रेंड इसका देखिए ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अभी जो इंडिकेटर्स है ये आप ट्रेंड दिखा रहा है ठीक है। तो इसका अभी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँगा। तो देखिए मैंने पहले कैंडलस्टिक के बारे में बताया, उसके बाद ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें 93580 में क्लोजिंग हुआ है, इसका 9430 में इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, इसका रेजिस्टेंस 9430 में बनेगा, उसके बाद 9482 में इसका उसके बाद उसके ऊपर 9482 और उसके बाद उसके बाद ये 9482 के बाद ये इसका जो रेजिस्टेंस है 9556, इसके बाद 9595 मतलब 9966 9636 और इसके बाद इसका जो देखिए इधर से साइड में दिखा नहीं रहा है, तो इधर से आप लोग देख सकते हैं, इधर से इधर इतना तक 9752 तक इसका आने का प्रॉबिलिटी बनता है ठीक है। तो एक दिन का बात नहीं कर रहा हूँ मैंने, तो इसमें जो प्रॉबिलिटी उसका उसके लिए इसमें मेरा वाइसल लेवल दिखना पड़ेगा, कौन सा लेवल पे का कितना तक जा सकता है, तो उसको मैंने रात में भी दिखाऊंगा, अभी भी थोड़ा दिखाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब जो चार्ट का एनालिसिस करने के लिए सॉरी मतलब एनालिसिस करने के लिए जितना सारा दिखाना है वो दिखाऊंगा और रात में आप लोग को दिखाऊंगा। तो इस सर नेक्स्ट इसका सपोर्ट जो है 9356 में है, 9303 में है, 9229 पे है, 9176 में है, 9102 तक इसका सपोर्ट दिख रहा है ठीक है। मार्केट में बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, तो ये वाला ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब गैप अप और गैप डाउन होने का कोई चांसेस नहीं दिख रहा है ठीक है। ये इसका जो 9439 इसका ये जो लेवल है 9439 ये बहुत ही इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इधर इधर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये 9.9 तक जा सकता है, ट्रेंड अप में है, थोड़ा सा बियरिश प्रेशर है, लेकिन थोड़ा सा बियरिश होकर ये क्लोजिंग दिया है जरूर, लेकिन इसका बाइंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इसका अप मूवमेंट जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ठीक है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में और मैंने जो बोला था कि इसका नीचे जाने का फिर से ये 10,560 तक ऊपर गया गया है, 10,560 तक ऊपर जा सकता है, 560 या 500 600 तक 550 या 600 तक, उसके बाद ये फिर से नीचे गिरने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ये टेक्निकल एनालिसिस का बता रहा है। और इसमें जो देखिए जो इसका लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता देता हूँ, 8519 में इसका बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है सॉरी सपोर्ट है ठीक है। ये ब्रेक करेगा तो ये 7511 तक आ सकता है और ऊपर 9311 तक ब्रेक हो चुका है, ये 9868 इसका बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, 9868 में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद 10,424 उसके बाद 10,424 के बाद ये जो जा सकता है इधर 11,112 तो ये इसका ऊपर जाएगा तो इसका बुलिश ट्रेंड आ जाएगा ठीक है ना। और इधर अभी भी ट्रेंड अभी आप लोग दिख रहा है, इधर जो इंडिकेटर मेरा जो दिख रहा है ये आप लोग को आप ट्रेंड दिख रहा है और ये जो ट्रेनिंग सेशन है आप लोग को ये भी आप लोग को सिखा दिया जाएगा।
तो इसमें देखिए, इसमें और ये जो का एंगल्स टूल्स मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोग को दिखाई जाएगा। तो इधर देखिए 9914, इसका जो एंगल थोड़ा है, ये जो एंगल है, ये जो इसका जो गन एंगल है, इसका ये जो लेवल है 9191, और इसका ऊपर जो जो एंगल है इसका 9954। इस इधर तक ये इसका पॉवर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। और इधर जो लेवल्स दिख रहा है 9751 तक इसका जाने का प्रोबेबिलिटी तो दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का देख लेता हूँ एक बार। बैंक निफ्टी को जो देख रहा है, बैंक निफ्टी सॉरी, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हूँ, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इधर भी ट्रेंड अप में दिख रहा है, ठीक है, ये भी अप ट्रेंड में दिख रहा है। और बैंक निफ्टी का बारे में जो भी बात किया, वो भी वो बैंक निफ्टी का बारे में भी वो एप्लीकेबल है। इसका ऊपर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 20,800 का आसपास, 20,800 के ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है 812 तक। इसके बाद ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 862, 862, 860, 862 में इसका, या 870 तक इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है इसका 21,052, ठीक है। उसके बाद 21,122 या 124 में इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो तोड़ेगा दो, ये आ सकता है 21,425, 21,425, 21,425 और 21,734 और इधर 22,039, ठीक है। इसके बाद 22,039, इसके बाद कुछ 22,000 के ऊपर 23,000 तक ऐसा जा सकता है। पहले उसका इसका ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद फिर से डिस्कस करूँगा। तो इसमें देखते हैं नीचे का सपोर्ट जो लेवल्स है, सपोर्ट का जो लेवल्स है 20,428, 20,254, 20,061, 19,877, 19,674, 19,500 तक, 19,500, 19,325, 19,200, ऐसे करके इसका रेजिस्टेंस बन सकता है। और इसका जो लॉन्ग टर्म का देखते हैं, इधर 16,000, एक्चुअली 16,116 में इसका सपोर्ट है, और इधर 19,817 में रेजिस्टेंस है, तो 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 रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद ये 24,800, 25,800, 25,825 तक जा सकता है। उसके बाद 17,986 तक, 900 तक ऐसा जा सकता। ओके, इसका चा तो जगह या चार्ट का एनालिसिस, और इसका जो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और इधर निफ्टी बैंक निफ्टी बताता हूँ, फ्यूचर्स का दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का जो दिखाता हूँ, तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का जो लेवल दिख रहा है इधर इधर तो
इसका जो लेवल्स दिख रहा है इधर, इसका जो नेक्स्ट बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का जो नेक्स्ट लेवल है ये है 20,885, इसके बाद 20,381, 21,669, उसके बाद 22,414 ये ऊपर जा सकता है, उसके बाद फिर से ऊपर जा और भी ऊपर जा सकता है। और नीचे वाला जो इसका लेवल्स है, नीचे वाला जो लेवल्स है इसमें इसका 20,183, उसके बाद 19,563, 19,283, 18,612, ऐसे करके ये नीचे आ सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसका मिलेगा 19,600 का, इसमें इसका बहुत ही 650 या 600 का, 600 का आसपास इसका बहुत ही 650 में इसका 600 बन सकता है, 650 से 600 तो इसका सही सपोर्ट बन सकता है। इधर इधर अप साइड में इसका जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस 21,000 का थोड़ा सा ऊपर, 21,422 इसमें ये इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनेगा। और निफ्टी का देखता हूँ, निफ्टी का जो देख रहा है दोनों का ही, मैंने बोल रहा हूँ कि दोनों का ही इसका ट्रेंड अप में है, अप मूवमेंट जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इधर 9,472 का उसका ऊपर वो रेजिस्टेंस है, 9,600 उसके बाद 9,617 और इधर 9,700 तक ये जा सकता है, क्योंकि दोनों ही ये जो इसका जो मतलब कुछ मैंने देखा है तो इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों इसका ऊपर जा सकता है। सभी ये मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्लोज, दोनों ही क्लोजिंग दिया है। और इधर निफ्टी का ऑप्शन चेन अभी डिस्कस करूंगा, निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है इसमें 1.22 इसका निफ्टी का, सॉरी ये निफ्टी का लगाते हैं, इसमें नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना मिनट आप लोग को प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को दिखा देता हूँ। प्रायोरिटी जो दिख रहा है ये करेंट मार्केट प्राइस, कॉल इम्प्लॉयड प्रायोरिटी, पुट इम्प्लॉयड प्रायोरिटी या दो दिन का एक्सपायरी का हिसाब से 9,500 में रेजिस्टेंस है, 9,000 में से 9,000 जाने का, 500 में जाने का प्रायोरिटी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। और इधर बैंक निफ्टी का भी ऐसा है, बैंक निफ्टी का 19,500 में इसका सपोर्ट बना है और 21,000 में रजिस्टेंस है, तो 21,000 के आसपास जाने का प्रायोरिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें 21,000 के ऊपर इसका एक्सपायरी क्लोजिंग होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इधर पीसीआर रेशियो, सॉरी बैंक निफ्टी ना, निफ्टी का पहले दिखाता हूँ, ठीक है बैंक निफ्टी का बोल देता हूँ एक ही बात है। इसका जो पीसीआर रेशियो है 1.38 है और इधर 21,000 के आसपास, 21,000 के आसपास इसका 21,000
21,000 का, इधर 21,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। इधर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है ना कि लॉन्ग बिल्डअप, मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है मतलब आदमी लोग लॉन्ग पोजीशन छोड़ के उसका शॉर्ट सॉरी शॉर्ट पोजीशन छोड़ के लॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग लॉन्ग कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सिग्नल्स है और इंडिकेटर है ये ऊपर जाने का। और इधर इधर 19,500 में इसका 19,000 में रेजिस्टर सपोर्ट था शिफ्ट के 19,500 में आ गया है। इधर देखिए इधर इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन एक कौशन का बात यह है कि इधर ऑलरेडी ऊपर आप कॉल साइड का ऑलरेडी का मैंने पहले बैंक निफ्टी का बोल देता हूँ। कॉल साइड में देखिए हेवी लॉन्ग बिल्डअप ऑलरेडी हो चुका है और इधर पुट साइड में जो नीचे वाला जो अप साइड में पुट जो अप साइड में कॉल साइड का जो नीचे वाला साइड में कॉल साइड में अभी भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और इधर ये भी शॉर्टिंग हो रहा हो गया है। तो ऐसा है कि ऊपर जाके ये शॉर्ट इधर से शॉर्टिंग होने लग जाएगा, जितना ऊपर जाएगा इसका शॉर्टिंग होने के लग जाएगा। 21,700 तक तो ठीक है, लेकिन 21,800 के ऊपर इसका हैवी शॉर्टिंग हो सकता है, तो फिर से इसका शॉर्टिंग हो सकता है। तो ये है इसका आप जाएगा, लेकिन सोच लीजिए और 500-700 पॉइंट का या 800-1000 पॉइंट का से ये फिर से इसका मतलब रिवर्सल हो सकता है प्रेजेंट पोजीशन से। और इधर निफ्टी का जो दिखा रहा है निफ्टी का पीसीआर रेशियो 1.22 है और इधर 9,500 में इसका रेजिस्टेंस है। इधर कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड में इधर 9,000 में ही है और इधर भी शॉर्टिंग हुआ है, लेकिन इधर देखिए जो अप साइड में पुट साइड का अप साइड में इधर शॉर्टिंग बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है और इधर 9,600 से इसका मतलब शॉर्ट बिल्डअप है। 9,600, 9,700 ये सब लेवल्स पे इसका शॉर्टिंग है और इधर अप साइड में ऑलरेडी मतलब हैवी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो ये है आप लोग, ये नहीं है कि जे ऊपर जाती रहेगा या इसका रैली करेगा, आप टेन में जरूर है आप जाएगा, लेकिन आप साइड से इसका डाउनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। और इधर जो मैंने थोड़ा सा 360 एनालिसिस का चार्ट दिखा देता हूँ, इधर देखिए इधर 9,300 के ऊपर ये 9,482 तक ये जा सकता है। आज ऑलरेडी हाई हो चुका था इसका, कितना इधर आज का हाई हुआ था इसका, आज का हाई दिखाया था कितना इसका हाई दिया था 9,404 और 9,421 इसका फ्यूचर का हाई है। तो इधर 9,482 का लेवल पे बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, उसके बाद 9,500, 9,576, 9,600, 9,764 ठीक है। और इधर इधर जो है इधर 20,600 का ऊपर ये बैंक निफ्टी इधर क्लोजिंग दिया है, तो इधर 950 तक जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा बनता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 22,829, तो इतना दस से फिर से ये शायद रिटेस हो सकता है कुछ, लेकिन फिर से ये ऊपर जाएगा। इधर इसका भी ये लेवल तोड़ने का चांसेस है, 9,700 के ऊपर जा सकता है या इधर से ही इधर का थोड़ा सा आगे से रिटेस हो के नीचे जा सकता है, नहीं तो 10,000 इसको तोड़ के 10,550 तक इसका ऊपर जा सकता है। 10,550 का जो ये 565 का जो लेवल है इधर आके इधर से पीछे ये दिख रहा है। मैंने आप लोग को इधर ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका पाथ और इसका ट्रेंड क्या क्या हो सकता है ये समझने के लिए आप लोग को ये दिखाता हूँ। और मैंने रात में बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा और आज अभी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेता हूँ। तो इधर देखिए फर्स्ट इसका जो 360 एनालिसिस का फर्स्ट साइकिल बनेगा तो 9,375 के ऊपर 45 डिग्री एंगल का ऊपर ऑलरेडी है,
बैंक निफ्टी भी 513 के ऊपर है। इसका नेक्स्ट रजिस्टर्स इसका 90 डिग्री का जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, 20,766, 9,491 ऐसे करके ऊपर जा सकता है फर्स्ट साइकिल में। और इधर नेक्स्ट लेवल पे देखिए, इधर नेक्स्ट लेवल बहुत ही नीचे है, सॉरी सेल का लेवल बहुत ही नीचे है दोनों का ही, तो इधर गैप डाउन इतना सा आएगा तो लगता नहीं है। इधर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ऊपर नीचे है, इधर भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का नीचे है, ठीक है, तो गैप डाउन होने का प्रोबेबिलिटी कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये ऐसे करके इसका फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल आप लोग नोट कर सकता है, ठीक है, इसका नोट कर सकता है। और जो दिखाऊंगा और भी एक लेवल आप लोग को दिखाऊंगा, या मुरेज मैथमेटिकल्स लेवल्स उसका भी कौन सा पोजीशन में है आप लोग को दिखा देता हूँ। और आप लोग हर रोज़ इसको फॉलो करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, तो आप लोग को पता चल जाएगा ये आप लोग को काम काम करता है, ये लेवल्स काम करता है। तो देखिए 9,409 के ऊपर इसका 9,409 इसका मतलब रेजिस्टेंस था, ये आज हाई दिया है 9,404, ठीक है, 9,404 इसका हाई हुआ था। मैंने चार्ट में भी एक बार चेक कर देता है, 9,404 होगा शायद, मैं चार्ट को आने दीजिए उसके बाद, इस तब तक इसको एक्सप्लेन करने दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका 9,433, 9,457, 9,481 तक इसका लेवल्स दिख रहा है, तो इसका ये नीचे, ये फिर से नीचे जा सकता है। और इधर 9,380 में तो ये क्लोजिंग दिया है, तो 9,384 इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, ठीक है, तो 9,000 मतलब इसका थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग है, 9,360, 9,336, 9,312 इधर तक आ सकता है, इधर से फिर से ये रिट्रेस होकर ऊपर आने का कोशिश करेगा, 9,388, 9,240 या 9,264 इधर से आके फिर से ये रिट्रेस होने का प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा बनता है। मेरा जो जो एजम्पशन है ये थोड़ा सा ओपन होगा, ऊपर जाएगा, ओपन होकर ऊपर जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा अपसाइड में वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा 9,400 या 9,481 या 9,500 का ऊपर से ये इससे रेजिस्टेंस आएगा। मैंने को बहुत शॉर्ट टाइम कल मतलब एक दिन के लिए या कुछ सेशन के लिए, मतलब 2-3 सेशन या 4-5 सेशन के लिए मैंने सेशन का बात मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है। और इधर मैंने कुछ लॉन्ग टर्म भी आप लोग को दिखा देता हूँ, जो लोग करता है और आप लोग को पता भी चल जाएगा इसका लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस आप लोग देख जाएंगे, आप लोग को दिख जाएगा, तो इसी आप लोग को सुविधा हो जाएगा। देखिए लॉन्ग टर्म का जो रजिस्टेंस पहले फिबोनाची का जो टीआर टू रेंज का हिसाब से बना है, इसका लेवल्स आप लोग नोट कर सकते हैं लॉन्ग बोथ अपसाइड और डाउन साइड में 87, ये सब लेवल्स आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आप लोग को दिमाग में रहेगा तो आप लोग को काम करने के लिए सुविधा हो जाएगा। आप लोग को क्या होगा कि जब ये सब लेवल्स आएगा तो आप लोग को आएगा कि हाँ इसमें ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग पिछले जो जितना सारा वीडियोस है आप लोग देख सकता है, ये लेवल्स बहुत ही अच्छा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, तो इसको इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और सुविधा हो जाएगा। और आप लोग इसका ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग ले सकता है, आप लोग को ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, जरूर ट्रेनिंग के लिए आप लोग ऑप्ट कीजिए, बहुत सारा आप लोग को मिल जाएगा ट्रेनिंग लेने के लिए, इतना सारा चीज़ आप लोग को, और ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है इसका, तो जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग एक्सपीरियंस है, जो लोग को सीखना चाहिए, तो ये सीख आप लोग सीख जाएगा, आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो आज का वीडियो ही ख़त्म करता हूँ, तो